परिणामों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये परिणाम तो क्या है, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, जैसी परिस्थिति मिलती है, अधिकतर जीवों के परिणाम वैसे होने लगते हैं। होते कि नहीं होते, हम मंदिर में आ गए तो हमारे वैसे परिणाम होने लगे, घर चले जाएंगे तो वैसे परिणाम होने लगेंगे, व्यापारियों से मिलेंगे तो वैसे परिणाम होने लगेंगे। ये परिणाम बदलते हैं लेकिन अभिप्राय नहीं बदलता। अभिप्राय कैसे नहीं होता, मंदिर में भी सुख बुद्धि, व्यापार में भी सुख बुद्धि, घर में भी सुख बुद्धि, और परिणाम तीन तरह के और अभिप्राय एक ही तरह का, मिथ्या दर्शन। और अपन सारा जीवन ये परिणाम सुधारने में ही लगा देते हैं, परिणाम 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 पूरे टाइम क्या चलता रहता है, परिणाम परिणाम परिणाम। और वास्तव में परिणाम की कोई ज्यादा कीमत इसलिए नहीं है कि वो अभिप्राय बदले तो बात है, अभिप्राय बदले बिना तो कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि अपन को शांति से बैठ के अभिप्राय पर चोट करनी चाहिए, और अभिप्राय पर चोट तभी होगी जब आप एकांत में बैठ के वस्तु स्वरूप का सच्चा तत्व विचार करेंगे, वास्तव में आत्मा के सच्ची प्यास के साथ तत्व विचार करेंगे तो होगा अभिप्राय। परिणाम तो कुछ नहीं है, परिणामों का तो कुछ नहीं। अभी बहुत ऐसे करुणा के परिणाम होंगे कि आपकी करुणा देखने लायक होगी, और अभी एक मिनट में ऐसे हिंसा के परिणाम होंगे, क्रोध के परिणाम होंगे कि वो भी देखने। कभी कोई कहेगा जितनी शांति से पूजा कर रहे थे और अभी एकदम गुस्सा, इतना गुस्सा कैसे आ गया, तो परिणामों का तो कुछ भी नहीं। तो देखो अपने को जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उस तरफ बढ़ना चाहिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग का कर्ता वैसे भी जीव नहीं है, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो सहज ही साथ में अपने आप होता ही होता है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो तो मिलेगा ही, वो तो कहाँ जाएगा। आप बाजार से केला खरीदो, छिलका अपने आप मिलेगा, उसमें क्या सोचना छिलके के बारे। आप गेहूं का खेती बीज करो, है ना, खेती में गेहूं करो तो उसका भूसा अपने आप मिलेगा, उसके लिए क्या सोच। ऐसे ही अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, गहरा तत्व अभ्यास करो, परिणामों में निर्मलता अपने आप ही आएगी, वो लानी नहीं पड़ेगी।